मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली ग्वालियर की पुलिस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है। शहर मध्य क्षेत्र के एक थाने में पदस्थ 57 वर्षीय महिला ASI ने अपने ही साथ थाने पर पदस्थ हवलदार, प्रधान आरक्षक पर एक जगह ले जाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। घटना इस तरह है कि 22 अगस्त को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोदी मंत्रिमंडल में विभाग मिलने के बाद पहला नगर आगमन था, इसलिए रोड शो निकाला गया था। इसी दौरान महिला ASI की ड्यूटी बड़ापुर में लगाई गई थी, पर इस दौरान हवलदार आया और महिला ASI को अपने VIP ड्यूटी पॉइंट से हटाकर मोती झील अपने पॉइंट पर ले गया। यहां से सिंधिया का काफिला निकलने के बाद वह महिला ASI को लेकर TP नगर पहुंचा और यहां किसी जगह पर ले जाकर उसने महिला के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ की। हवलदार की हरकत महिला को इतनी बुरी लगी कि महिला ASI ने उसे वहीं सबक सिखाने की धमकी दी। पहले महिला अफसर को बदनामी का डर सताया, लेकिन उसके बाद महिला ASI ने मामले की जानकारी अपने थाना प्रभारी सहित जिले के सभी वरिष्ठ अफसरों को दी। इस मामले में ASP हितिका वासल ने मामले की जांच की और जांच के बाद घटना के 12 दिन बाद शहर के भौड़ापुर थाने में आरोपी हवलदार के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। एक महिला ASI है जिनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनके साथ छेड़खानी की गई थी उसी थाने के एक हेड कांस्टेबल द्वारा, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। कोई VIP ड्यूटी लगी हुई थी? उनके द्वारा बताया गया है कि 24-25-26 के दौरान जब VIP ड्यूटी थी तो उस टाइम पे ये घटना उनके साथ कारित हुई है।